हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पचीरा एक्वाटिका विंटर केयर पर। पचीरा एक्वाटिका, इसे धन का पौधा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका नाम पचीरा मनी ट्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पचीरा लगा हो वहाँ समृद्धि, धन और ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं रहती। पचीरा प्लांट में एक साथ 5 से 6 पत्तियाँ आती है। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पत्तियाँ आई हुई है। कोई ब्रांच है उनमें 5 पत्तियाँ भी आई हुई है, और ये हर एक ब्रांच से एक स्टिक निकलती है और स्टिक में ये पत्तियाँ लगी होती हैं। फेंगशुई में 5 तत्व होते हैं, जिनमें काष्ठ, पानी, अग्नि, धातु और पृथ्वी को माना गया है। ये इनकी 5 धातु होती है, 5 तत्व होते हैं इनके, जो हिंदू धर्म में भी 5 तत्व होते हैं। ये उनसे रिलेटेड है, यानी ये फेंगशुई से रिलेटेड है। पचीरा प्लांट में अलग अलग प्लांट को आपस में गुथा जाता है। 3, 4, 5, 8, 12 जितने भी अलग अलग तने होते हैं उनको आपस में गुथा जाता है, और ये यहाँ पर बांध रखा है और इसको एक चोटी के जैसे शेप दिया जाता है। इसे कोश कहा जाता है फेंगशुई में। कोश फैमिली से रिलेटेड होता है और ये फैमिली में सुख समृद्धि को लाता है। जब भी आप घर में पचीरा लगाएं तो ये आपस में गुथे हुए होने चाहिए, और इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। पचीरा का साइंटिफिक नेम है पचीरा एक्वाटिका, और ये मेलवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पचीरा मध्य और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का प्लांट है। ये काफ़ी लकी प्लांट होता है, इसलिए अमेरिका में इसे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इस प्लांट को मैंने 10 इंच के पॉट में लगा रखा है। आप चाहें तो इसे 14, 18, 24 किसी भी इंच के पॉट में लगाया जा सकता है, और इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जब आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसका एक तना काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये ट्री बन जाएगा, और ये 3 तने 3 ट्री बन जाएंगे, और आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये लगाया हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। ये इस प्लांट का ऊपर से लुक है। इस प्लांट की वर्ल्ड में 77 स्पीसीज पाई जाती हैं, और 77 स्पीसीज में पत्तों का साइज़ अलग होगा और इनके स्टेम और इसके लुक का साइज़ भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसे आप बोनसाई भी बना सकते हैं। जब भी ये ग्रो होता है एक ट्री का शेप जरूर लेता है ये, और दिखने में काफी सुंदर लगता है। अब हम बात करते हैं पचीरा के विंटर केयर पर। पचीरा को जब भी आप ग्रो करें या फिर नर्सरी से लाएं, तो इसको आप विंटर की फुल सनलाइट में रखें। जहां पर विंटर की डायरेक्ट धूप आती हो वहीं से आप रख सकते हैं सर्दी में, और इसमें पानी आपको देना है 15 दिन में एक बार, सिर्फ आधा ग्लास, और इसमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं 15-15 दिनों में। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल है आप दे सकते हैं। और इसमें आपको 25 दिन में एक बार 1/4 चम्मच फंगीसाइड पाउडर देना होगा, ताकि इसमें फंगस ना लगे। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी दे दिया तो इसकी स्टेम में खूब पानी स्टोर रहता है और फंगस भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो इसमें फंगीसाइड पाउडर देना ना भूलें, जिनमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों एलिमेंट अवेलेबल हों। पचीरा में कभी भी इंसेक्ट्स नहीं लगते, तो इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड देने की ज़रूरत भी नहीं है। गर्मी में आप इसे इंडोर रखें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में रह गया गर्मी में तो ये बर्न हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 13 से लेकर के 35 के बीच में, तब तो ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। अगर 13 से कम इसको टेम्परेचर मिले डायरेक्ट
बाहर खुले एनवायरनमेंट में और 40 से ज़्यादा का टेम्परेचर इसको मिले बाहर, यानी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी दोनों ही इसके लिए ठीक नहीं रहती। ज़्यादा ठंड में भी ये बर्न हो जाता है और ज़्यादा गर्मी में भी ये बर्न हो जाता है। पचीरा प्लांट में आपको सोइल लेनी है, 40% सैंड लेनी है, 40% सोइल लेनी है और 20% वर्मी कंपोस्ट लेनी है। इन तीनों को मिक्स करना है, देन ये प्लांट लगा देना है, तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और इसमें फंगस नहीं लगेगा। पचीरा प्लांट लकी बेम्बू की तरह ही लकी होता है और इसे आप अच्छे से केयर करें तो ये आपके पास काफ़ी लकी रहेगा और पैसे की कभी कमी नहीं आती जब ये आपके घर में लगा हो तो। पचीरा प्लांट जब बड़ा हो जाए तो इसके अंदर सीड पॉड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उन सीड्स को आप ग्रो कर सकते हैं। फरवरी से लेकर आप रेनी सीजन तक इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को भी ग्रो किया जा सकता है। इसकी आप कटिंग्स लें और फरवरी में और रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी थोड़ी सी केयर हमें करनी पड़ती है, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी बर्न हो जाता है या फिर इसमें फंगस लग जाता है, बाकी इसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते। वैसे तो पचीरा में कभी इंसेक्ट्स नहीं लगते, अगर कभी लग भी जाए तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल लेकर आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मेरे आज तक इस पचीरा में कभी भी कोई इंसेक्ट्स नहीं लगे तो इसलिए मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी नीम ऑयल स्प्रे करने की। पचीरा प्लांट जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और खूब ऑक्सीजन देता है ये। अगर आपके घर में इंडोर लगा है तो घर में काफ़ी ऑक्सीजन लेवल को इनक्रीज कर देगा ये। तो आप प्लांट को सर्दी में सीधे धूप में रख सकते हैं और गर्मी में इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर शेड में रखें। सर्दी में पानी इसे बहुत कम दें और गर्मी में इसे पानी डेली चाहिए। सोइल इसको मैंने आपकी बता ही दिया है, 40% सैंड, 40% सोइल और 20% वर्मी कंपोस्ट, और इसमें 15-15 दिन में आपको फर्टिलाइज़र देनी है और प्लांट के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं पानी का, सिर्फ पानी का, या फिर लिक्विड कोई फर्टिलाइज़र हो उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। आप जब भी प्लांट में पानी दें सर्दी में तो आप इसके ऊपर पानी से शावर से स्प्रे कर दें, खाली पानी से, तो प्लांट के ऊपर जितनी भी धूल होगी वो साफ़ हो जाएगी और इसके जो स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाएंगे और ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और आपका प्लांट लश ग्रीन बना रहेगा। जब प्लांट डी शेप हो जाए तो इसे आप फरवरी से लेकर अगस्त तक कभी भी प्रून कर सकते हैं और इसे शेप में लाया जा सकता है। अगर आप इसे यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से डबल ब्रांचेस निकलेंगी और जहाँ जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से डबल से ट्रिपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट बुशी लुक लेगा, और जब ये बुशी लुक लेगा तो ये एक ओल्ड ट्री की तरह दिखेगा और काफ़ी अच्छा दिखता है ये, और ये काफ़ी सुंदर ट्री है। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।